जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है काफ़ी सारे इन्फेक्शन बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। बारिश का मौसम होते ही ऐसा है, बहुत सारी बीमारियां लोगों को घेरने लगती हैं। अभी जैसे कि करंट में आई फ्लू चल रहा है, आई फ्लू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में, तो ऐसे में आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आपको ये इन्फेक्शन घेर ना ले। आज का वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है कि प्रेगनेंसी में आई फ्लू से आप कैसे बचोगे, कैसे पहचानोगे कि आपको आई फ्लू हो गया है और कैसे इसका इलाज कराओगे, क्या इसके लिए आप घरेलू उपाय भी कर सकते हो जिससे कि आप आई फ्लू से बच सको एंड कैसे आप इसकी केयर कर सकते हो। मैं हूँ आप सबके साथ रेशु, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में जिससे कि आप पहचान सको कि आपको आई फ्लू की दिक्कत होने वाली है या हो रही है। पहला तो इसका सिम्टम है कि आँखें आपकी लाल हो जाएंगी, आँखों में स्वेलन आ जाएगी, आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली होगी और पपड़ी टाइप की सफ़ेद सफ़ेद जमने लगेगी। जैसे आप आईज़ को बंद करते हो उसके बाद आप खोलते हो कुछ टाइम बाद सोने के बाद, तो आपकी आईज़ में सफ़ेद रंग की पपड़ी जैसी जम जाएगी, तो ये आई फ्लू का लक्षण है। वैसे तो जो फ्रेंड्स आई फ्लू का इन्फेक्शन है ना, ये नॉर्मल है लेकिन ये हार्मफुल भी है। जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको तो और ही ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है इस टाइम पे, और ही ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको अगर ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इसका इलाज आप प्रेगनेंसी में करवा सकते हो, इलाज करवाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि बच्चे को ज़्यादा खतरा होगा, तो इससे बच्चे को ज़्यादा खतरा नहीं होता है, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन एक बुरी खबर है, इससे आपकी आंखें ज़रूर बुरी नज़र आने लगेंगी, क्योंकि आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों में स्वेलन आने लगेगी एंड आंखों में खुजली और सफ़ेद रंग की पपड़ी टाइप की जमने लगेगी। अब जानते हैं इससे आप कैसे बचेंगे और इसका इलाज क्या है। पहला तो इलाज इसका यही है कि जैसे आपको आई फ्लू हो जाता है तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, इसमें देर नहीं करनी है। और हाँ, एक चीज़ का और बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है, बिना डॉक्टर की एडवाइस से आपको कोई भी आई ड्रॉप यूज़ नहीं करना है, कोई भी कुछ मेडिसिन बता रहा है वो भी आपको अपनी आईज़ में इस्तेमाल नहीं करना है। इसको आप सही करने के लिए थोड़े से घरेलू टिप्स अपना सकते हो जिससे कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। पहली चीज़ें आप ठंडी सिकाई कर सकते हो। ठंडी सिकाई आपको कैसे करना है कि कॉटन बॉल कुछ ले लेने हैं, उसको पानी में डिप करके फ्रिज में रख देना है और फिर ठंडे होने के बाद उसको आपको अपनी आईज़ पर रख लेना है, जिससे कि आंखों को ठंडक मिलेगी और इन्फेक्शन में थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरी चीज़ है, आपको साफ़ सफाई का स्पेशली ध्यान रखना है, आंखों को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना है। आंखों को साफ़ करने के लिए आपको हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, इसी कॉटन बॉल को आप हल्के गुनगुने पानी में डिप करके, मतलब गीला करके, और उसको हल्के हल्के हाथों से आप अपनी आँखों को साफ़ कीजिए। ठीक है, साफ़ सफाई टाइम टू टाइम करते रहिए, इससे आप सेफ रहेंगे। और काले चश्मे का इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि बाहरी धूल बैक्टीरिया का आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट ना हो। साथ ही साथ आप ग्रीन टी बैग का भी यूज़ कर सकते हो। ग्रीन टी बैग में आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो इन्फेक्शन को किल करती हैं, तो आप ग्रीन टी को क्या कर सकते हो, ग्रीन टी जो टी बैग आते हैं उनको 20 मिनट तक गर्म पानी में आपको डालकर छोड़ देना है। उसके बाद उन टी बैग्स को आपको फ्रिज में रखना है, अच्छे तरीके से टी बैग ठंडे हो जाते हैं उनके बाद आपको उन टी बैग से अपने आंखों की सिकाई करनी है, इससे भी बहुत जल्दी आपकी आंखों का इन्फेक्शन दूर होगा। साथ में जो आंखों में सूजन आ गई है ना, वो भी कम होगी। और टाइम टू टाइम अपने हाथों को वॉश करते रहें, मतलब हैंड वॉश करते रहें, बार बार अपने हाथों को आंखों में टच ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, अगर ऐसे में इन्फेक्शन हो जाता है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सही हो जाएगा। इन्फेक्शन है, थोड़ा सा फैल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके बच्चे पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बस टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ आप सब सुरक्षित रहिए और कोशिश कीजिए कि घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर अगर आप ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हो तो ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम कोरोना ही जैसा है, कोरोना छूने से, मतलब पास में आने से फैलता है, ये भी अगर आप आई कांटेक्ट करते हो किसी से तो भी फैलता है। लेकिन हाँ, टेंशन मत लीजिए क्योंकि कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, ये ओनली आई स्किन इन्फेक्शन है। दवाई ड्रॉप वगैरह आप डॉक्टर की एडवाइस से लोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।